जल्दी से अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं, सेना में कहां से कितने जवान आते हैं? तो सबसे ज्यादा 16 उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा 37 है अन्य राज्यों से, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है 16 जो फीसदी है, हम 16% आपको बता रहे हैं। उसके बाद बिहार है, बिहार से 8, राजस्थान से 8, 8% पश्चिम बंगाल से 7, पंजाब से 7, महाराष्ट्र से 7 फीसदी है, हम परसेंटेज में आपको नंबर्स बता रहे हैं। हरियाणा से 5%, उत्तराखंड से 5%। तो सेना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, लेकिन बिहार में आप सबसे ज्यादा इस वक्त देख रहे हैं विरोध। सेना में जो युवा शक्ति है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि औसत उम्र जो साल में वो हम बता रहे हैं, भारत में 32, जब आप न्यूजीलैंड में देखते हैं तो 32 है, जर्मनी में 32.1, जापान में 32.2, फ्रांस में 32.2, लेकिन जो दो देश अमेरिका और ब्रिटेन है 28.2 और 26 है ब्रिटेन में, सबसे ज्यादा बेल्जियम में है देखिए 41.6, कनाडा में 36 और 33.7, ऑस्ट्रेलिया में, और उसी को नीचे लाने के लिए कोशिश हो रही है। जल्दी से जनरल सिवाच, आप उस पर कमेंट करना चाह रहे थे जो उन्होंने बात की। आप बिल्कुल देखो सच्चाई है अंजना, ये जो आपने एज बताई आज की तारीख में हमारी जो एज है एवरेज एज करीब करीब 32 से 33 है, और वो घट के अगले 10 साल में आ जाएगी आपकी 25-26, ये सच्चाई है। कारगिल में हमने देख लिया है जितने यंग सोल्जर थे उनको कठिनाई नहीं हुई बड़ी बड़ी पहाड़ियों में चढ़ने, या टॉलिंग रोड हो या आपका टाइगर हिल, तो ये इस स्कीम से ये बड़ा फायदा होगा। दूसरा ये सच्चाई है कि जब बदलाव आता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है दूर हो जाएगा अगर हम जो इसकी खामियां हैं उनको पूरा करें, लैटरल ऑब्जर्वेशन करें, जो आपका CAPF और आपका जो आर्मी है तालमेल करें, MOD और MHA कुछ एक ऐसा विश्वास लाए कि यह कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सिन्हा साहब भी बोले थे, रेजिमेंटेशन को टेंपर ना करें, रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन के हिसाब से ये रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट राइफल, ये देश की शान है, इनकी हिस्ट्री है, इन पर लोग जब आते हैं तो क्वार्टर गार्ड में जब जवान या अफसर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसको हिस्ट्री पता लगती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, 65 वार, 71, अगर आप इसको टेंपर करते हो, इसको आप बढ़ाते हो ऑल इंडिया ऑल क्लास, तो यू आर प्लेइंग विद फायर, आप मत करो, ये बहुत, ये 20-25% है। और अगला एक मेरा बात पर क्या आप सब सहमत हैं? सबका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, जो मैं बताता हूं, मेरी बात सुनिए, रेजिमेंटेशन बहुत जरूरी है, जो हम बोलते हैं नाम नक नमक निशान, ये रेजिमेंट का ही है, रेजिमेंट का नाम, देश का नमक, हाँ। निशान, ये सब इसी के ऊपर ही है। पर प्रॉब्लम एक है जो मैं बताना चाहता हूँ, अब जनरल सिन्हा ने बताया था कि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे, दोनों जनरल साहब थे, आपने एक साल ट्रेनिंग किया 9 महीने, फिर 5 साल सर्विस किया, मैं कहता हूं कि इनको 6-7 साल दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 4 साल बहुत कम है ट्रेनिंग के लिए, 2-2.5 साल में क्या ट्रेनिंग कर लेंगे। मैं फिर बताता हूं कि आपको अगर बोला कि इन्फेंट्री के लिए लेना है, इनको इन्फेंट्री के लिए आप लीजिए, राष्ट्र राइफल में जाने के लिए 3 साल मिनिमम सर्विस है, आप उसको कम कर लेंगे? नहीं, दे विल बी कैनन फॉडर, उनको रखना पड़ेगा, 3 साल ट्रेनिंग कराइए फिर जाएंगे वो लोग, तो उनको 3-4 साल और दीजिए ताकि आपको काम कर सके। अदरवाइज कहाँ एम्प्लॉय करेंगे आप? टेक्निकल आर्म में एम्प्लॉय नहीं हो सकते, टेक्निकल आर्म्स में, टेक्निकल सर्विस में एम्प्लॉय नहीं हो सकते, इन्फेंट्री में जाएंगे 25-50% पीस में रहेंगे, 50% फील्ड में जाएंगे, अगर पीस में रहेंगे तो फिर फायदा क्या? आप उनकी बात से सहमत नहीं थे, छोटा सा कमेंट। देखिए मैं 2 बिंदु पे बात करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि ये जो इतना बड़ा ये इम्पोर्टेंट वो है रिफॉर्म, तो इसके लिए ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता था कि पहले सबको साथ लेकर उनसे कंसल्टेशन करके उसके बाद ये करें? दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो कर रहे हैं, इसमें पहले भी मैंने आपको कहा और ये भी कह रहे हैं कि 4 साल जो है वो कम रहेंगे, इनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज मैं ये कहूँगा कि ये भी हो सकता था कि ये जो इतना बड़ा इशू है इसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया जा सकता था। देखिए अंजना जी, फौज के अंदर में कभी भी कि डिस्कशन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री तरीके से नहीं होती चीजें, ये आप समझ के लिखिए, अदरवाइज कभी नहीं रोल आउट। राष्ट्र राइफल का एग्जाम्पल देता हूं, राष्ट्र राइफल जब आने वाला था तो कहा गया ये फेल है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं सकता, खिचड़ी फौज है, कुछ नहीं करेगी। आज राष्ट्र राइफल, और क्योंकि इसको जल जोशी थे उन्होंने पुश किया,
तो आज राष्ट्र राइफल के लिए लोगों ने मिसाइल पैदा कर दी कि कैसे राष्ट्र राइफल होती है। देखिए ये चीजें जो होती हैं इसके लिए आप जरूर वैलिडेशन कीजिए, जरूर बदलाव कीजिए, मगर ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं। कारगिल के हुए 99 हमने लड़ाई लड़ी, आज मैं रिटायर होकर के मेजर जनरल और मेरे 5 साल हो चुके हैं, ये आया ही नहीं, आएगा ही नहीं अनटिल अनलेस आप इसको करें, इस अग्निपथ पर चले। अग्निपथ पर चलना ही नहीं चाहते, हम केवल डिस्कस करके हम रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। रेजिमेंटेशन के बारे में मैं एक थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। रेजिमेंटेशन में मैं स्पेशल ग्रुप ज्वाइन किया, फर्स्ट काउंटर टेररिस्ट यूनिट ऑफ द कंट्री, जिसके अंदर ऑल इंडिया इंडक्शन फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम ऑल द रेजिमेंट्स, वो अलग अलग यूनिट से आए, एक यूनिट में आ गए, इतने हाईली मोटिवेट हो गए कि किसी भी हाई रिस्क ऑपरेशन में जाने को तैयार थे। मैंने एनएसजी को रेज किया, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप कमांड किया 5 साल, पूरी इंडियन आर्मी का इंडक्शन था उसके अंदर, एंड दे वर फाइटिंग फॉर दैट यूनिट, 51 एसएजी एनएसजी, नॉट फॉर गोरखा बिहार जाट और एनीबॉडी एल्स, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट, द मोटिवेशन बाय द कमांड। दे वर द बेस्ट पीपल हु ट्रेन्ड एंड केम टू यू, या अंजना, दे वर नॉट द, दे वर अंजना, मैं ये बताऊंगा कि रेजिमेंटेशन बहुत जरूरी है। देखो रेजिमेंटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप समझे कोशिश को, ये 50 एसएजी की बात बहुत इंपॉर्टेंट, पर आपकी जो रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, इनकी हिस्ट्री है, ये लोग ये गोरखा रेजिमेंट से, ये गलत एग्जांपल है, क्योंकि ये रेजिमेंट ने इनको सेलेक्ट करके सबसे क्रीम दिया और परफॉर्म हुआ। देखिए बात यह है, आप इसको समझिए, प्लीज समझने की चेष्टा करें, पूरे विश्व में रेजिमेंटेशन नहीं है, पूरे विश्व में है के हमारे पास, और वही विनिंग फैक्टर, वही लड़ाई जिताई है आपको 71 की, ठीक है, वही आप 65 की लड़ाई, 99 का कारगिल वॉर में हम लोगों ने लड़ा है उसी नाम पर।